हेलो एंड वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है नीरज यादव। तो इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, और उस सब्जेक्ट को हम मेजर सब्जेक्ट में ही इंक्लूड करते हैं। सारे ही एग्जामिनेशन में, आपको प्री हो या मेंस हो, दोनों में आपको इंडियन एविडेंस एक्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इंडियन एविडेंस एक्ट में, हालांकि ये बहुत छोटा सा एक्ट है, तो हम बहुत कम ऐसे प्रोविजंस को मानते हैं कि जिनको कि आप छोड़ सकते हैं। अधिकतर जो आपको सेक्शंस है, जो प्रोविजंस है, जो टॉपिक्स हैं, वो सारे ही एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। सारे ही लगभग लगभग सेक्शंस जो हैं ये काम के हैं। लेकिन फिर भी ऐसे कौन से कोर प्रोविजंस हैं पूरे के पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट के, जो कि आपको पता ही होना चाहिए, जिनका ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिलने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको बाय हार्ट होने ही चाहिए, या जिनका वेटेज बाकी के प्रोविजन से ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो प्री और मेंस दोनों के हिसाब से हम ये देखेंगे कि किन सेक्शंस को आप प्री के लिए तैयार करेंगे, किन सेक्शंस को आप मेंस के लिए तैयार करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि प्रिलिमिनरी एंड रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, तो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो पूरा की पूरा पार्ट वन है, विच इज फ्रॉम सेक्शन वन टू सेक्शन 55, ये आपको देखने को मिलेगा हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में। उसी के साथ आप अगर बात करो कि पार्ट वन या पार्ट टू को हम सेक्शन 1 to 50 देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, बीएसए में यही सेक्शन 1 to 55 आपको देखने को मिलेंगे। एंड ये पार्ट वन एंड पार्ट टू हो गए हैं। तो अगर इस चीज को मैं ये समझूं कि पूरे के पूरे अगर एविडेंस एक्ट को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं, या बीएसए को अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूं, तो पार्ट वन या 2 पार्ट का मिला करके टोटल जो वेटेज है ये 60% है। मतलब किसी भी एग्जामिनेशन में आप देखोगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट के मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 1 से लेकर के 55 के बीच में, या अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की मैं बात करूं तो सेक्शन 1 से लेकर के 50 के बीच में आपको मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। पूरे एविडेंस एक्ट का पार्ट 1 लगभग लगभग 60% जो है वो वेटेज रखता है। तो कुछ हो ना हो, इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको पहले 55 सेक्शन तो याद होने ही चाहिए। इतने सारे केस लॉज हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि यहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान दे करके पढ़ना होता है। यहां पर अगर मैं बात करूं कि कौन से सेक्शन से जो सिर्फ और सिर्फ आपको प्री के लिए पढ़ना है, तो सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 16, सेक्शन 34 से लेकर के 39 तक के ये जो कुछ सेक्शन है, ये हम प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि प्री एग्जामिनेशन में हमें ये कुछ ऐसे सेक्शन है जो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बाकी के जो बचे हुए सेक्शन है वो प्री एज वेल एज मेंस दोनों के लिए आपको बहुत काम के हैं। तो बाकी सारा एविडेंस अपनी जगह पर है, और पार्ट वन एंड टू ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड पार्ट वन ऑफ इंडियन एविडेंस अपनी जगह पर उतना महत्व रखता है। तो ये चीज आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा कि आपको सेक्शन 55 तक पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से होना चाहिए। इन सेक्शन को आप अधिकतर देखोगे कि प्री एग्जामिनेशन में सीधे सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट जब उनको क्वेश्चंस पूछना होता है तो इन सेक्शन से उठा करके वो आपको क्वेश्चंस दे देते हैं। चलिए अब आते हैं, किन फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, किन फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत है। तो अधिकतर आपको फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव प्री में देखने को मिलता है। प्री में का तो अगर देखा जाए तो ये फेवरेट अपने आप में टॉपिक होता है उनका, कि प्री में हम पूछ लेते हैं कि यार बताइए कौन से फैक्ट्स प्रूव करने की जरूरत है या नहीं है। और दूसरा जो है, यहां पर एक लिस्ट दी गई है, तो वो लिस्ट से भी आपको अधिकतर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं बात ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारे सेक्शंस प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो काम के हैं ही, लेकिन अगर आप देखोगे तो अधिकतर क्वेश्चंस आपको यहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस क्या होते हैं, यहां से देखने को मिलेंगे। हाँ, पब्लिक डॉक्यूमेंट प्री में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा। मेंस में ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, बट प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, पब्लिक डॉक्यूमेंट से अधिकतर क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं, सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं, प्री एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पढ़ना है, समझना है कि क्या आते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अपने आप में ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर आप सवाल देखोगे कि आजकल रिसेंटली एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से पूछा जाने लगा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में चूंकि कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, तो उन अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए भी हम क्या कर सकते हैं,
यहां पर व्हाट इज ओरल एविडेंस, व्हाट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, और उनका क्या तरीका होगा कि उनको किस तरीके से प्रूव किया जाएगा, ये जो है आपको यहां पर देखना है। तो इन चीजों को आप प्री एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं बात, बीच में एक आता है अबाउट द प्रिजम्पशन, पूरा की पूरा जो टॉपिक है प्रिजम्पशन का, वो आपसे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कीजिएगा, उसमें मेंस में ज्यादा सवाल बनते नहीं है। तो पूरा की पूरा सेक्शन 90A तक आपको जो बीच के प्रोविजन है वो प्री के लिए है, इंडेक्स से आपका काम हो जाएगा। फिर आते हैं 91 to 100 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये जो पूरा की पूरा एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट है, यहां पर प्री से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। बीच के कुछ इलस्ट्रेशन है, वो इलस्ट्रेशन आपको देखने को मिल सकते हैं, और कभी कभार आपको जो है यहां से एक मेंस के लिए भी आंसर देखने को मिल सकता है। कुछ जहां पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं वहां पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि इस सिचुएशन में क्या होगा। तो ये पूरा की पूरा आपका प्री एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम का है। एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट क्या होता है, एम्बिग्यूटी क्या होती है, लेटेंट एम्बिग्यूटी, पेटेंट एम्बिग्यूटी क्या होती है, तो ये बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर, तो यहां पर सेक्शन 101 से लेकर के 114A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात करता है। इसके बीच के कुछ ऐसे सेक्शन है जो से प्री के लिए है, उनका मेंस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, ठीक है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ क्या होता है। अगर मैं बात करूं 106 की, तो जब हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बारे में बात करते हैं तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ, फिर जब हम बात करते हैं 112 के रिस्पेक्ट में, तो वो अपने आप में एक अलग ही पूरा की पूरा मेंस के बारे में मेन एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाएगा, और द लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। तो लेजिटिमेसी के बारे में आपको मेंस के लिए बहुत अच्छे से आंसर याद करना है। बाकी प्री में जो है वो 114A तक आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। फिर आते हैं स्टोबल के ऊपर, तीन सेक्शन है, ये प्री एज वेल एज मेंस दोनों के लिए ही है। एग्जाम में अधिकतर आपको स्टोबल देखने के लिए मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए आता है स्टोबल के ऊपर। 115 से लेकर के 117 तक आपको ये देखने को मिलता है। विटनेसेस के बारे में अधिकतर आप देखोगे कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्री एग्जामिनेशन में, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या है, तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन पर आपको एक मेंस का आंसर देखने को मिल सकता है। तो प्रॉब्लम बेस्ड हो सकता है, या किसी भी तरीके से एक विटनेस में आपको प्रिविलेज कम्युनिकेशन के ऊपर देखने को मिलता है। या फिर अगर मैं बात करूं जो 134 सेक्शन है, वो अधिकतर आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। 133 अकम्प्लिस जो है उसको आपको देखने को मिल सकता है कि अकम्प्लिस के ऊपर लिखने के लिए आ जाए आपको, या फिर हो सकता है आपको कि एविडेंसेस को गिना नहीं जाएगा बल्कि तोला जाएगा। अब ये अपने आप में एक सवाल बनता है। 134 प्रीलिम्स में भी आपको पूछा जाता है, 33 प्रीलिम्स में पूछा जाता है, 34 आपको मेंस में लिखने के लिए भी आ सकता है। उसके बाद जब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो एग्जामिनेशन में फिर आप अधिकतर देखोगे कि लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, कब पूछा जा सकता है, एग्जामिनेशन कितने तरीके के हैं। तो यहां पर मेमोरी रिफ्रेश करना क्या होता है, हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन अगर प्रीवियस राइटिंग है उस पे कैसे होगा, कोरोबोरेशन कैसे होगा, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के बारे में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, या 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड 168 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो आपको कुछ पावर देने की बात हम करते हैं कि हमारे यहाँ पर कोर्ट्स के पास क्या पावर रहेगी, उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इंक्विजिटोरियल सिस्टम के बारे में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा की पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है, ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको प्री के लिए तैयार करने हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको मेंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए। तो ये ओवरऑल इंडियन एविडेंस एक्ट आपके लिए है, और इसी के रिस्पेक्ट में हालांकि टॉपिक्स जो है, प्रोविजन जो है, वो उनके सेक्शंस चेंज हुए हैं, बट बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चेंज होने को देखा नहीं गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो ये वीडियो आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए भी उतना ही कारगर रहने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि कोई और आपको डाउट्स है कि किस तरीके से पढ़ना है, या क्या आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है एग्जामिनेशन के दौरान, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ऑल द बेस्ट।